दोस्तों, एक आम इंसान को कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफर करना हो या फिर गुजरात से असम तक का, उसकी पहली पसंद होती है इंडियन रेलवेज। वही रेलवेज जिसका रूट लेंथ नेटवर्क 67,956 किलोमीटर तक फैला हुआ है और जिसके पास 13,169 पैसेंजर ट्रेन के साथ 8,479 फ्रेट ट्रेन्स हैं। इंडियन रेलवेज एक सिंगल मैनेजमेंट में आने वाले वर्ल्ड के सबसे बड़े रेलवे सिस्टम्स में से एक है। आज हम इसी रेलवे सिस्टम के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को ट्रेस करने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक कॉलोनियल एंटरप्राइज से शुरू होकर इंडियन रेलवेज नेशनल इकोनॉमी का मजबूत पिलर बन चुका है। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडियन रेलवेज का इतिहास 165 साल से भी ज्यादा पुराना है। इंडिया में फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन बॉम्बे के बोरी बंदर स्टेशन से लेकर थाने तक का 34 किलोमीटर का सफर तय करती है। इस ट्रेन को ऑपरेट कर रहे थे तीन लोकोमोटिव्स जिनका नाम रखा गया था साहिब सिंध और सुल्तान। इसमें 13 कैरिजेस थे और 400 पैसेंजर्स ने इसमें सफर किया था। ये रेल नेटवर्क ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे यानी कि GIPR और ईस्ट इंडिया कंपनी के अलायंस ने मिलकर बिल्ड किया था। इसकी सक्सेस के बाद 1854 में ईस्टर्न इंडिया में और 1856 में साउथ इंडिया में भी रेलवे को लॉन्च किया गया। 1864 में कैलकटा दिल्ली लाइन शुरू होती है और 1867 में अलाहाबाद जबलपुर लाइन। इन लाइन्स को भी GIPR के साथ लिंक कर दिया जाता है और इस तरह 1869 के एंड तक 6000 माइल से भी ज्यादा का रेल नेटवर्क क्रिएट हो जाता है। दोस्तों, रेलवेज के डेवलपमेंट का ये अर्ली फेज मेनली प्राइवेट कंपनीज के द्वारा फंडेड था। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रेलवेज में कैपिटल इन्वेस्ट करने पर 5% इंटरेस्ट की एश्योर्ड गारंटी दी हुई थी। 1855 से 1860 के बीच 8 रेलवे कंपनीज एस्टैब्लिश हुई, जैसे कि ईस्टर्न इंडिया रेलवे, ग्रेट इंडिया पेनिनसुला कंपनी, मद्रास रेलवे, बॉम्बे बड़ौदा एंड सेंट्रल इंडियन रेलवे। इस फेज में रेल डेवलपमेंट का मेन मोटिव ब्रिटिश कैपिटलिज्म को सपोर्ट करना था, लेकिन ये सिस्टम बहुत ही कॉस्टली था और स्लो प्रूव हो रहा था। इसलिए 1869 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेलवेज को स्टेट एंटरप्राइज की तरह डेवलप करने का डिसीजन लेती है। इसके बाद भी रेलवे एक्सटेंशन की स्पीड इंडिया में ऑफिशियल्स और ब्रिटेन में बिजनेसमैन को संतुष्ट नहीं कर पाती और 1880 के बाद रेलवेज को प्राइवेट और स्टेट एजेंसी दोनों के द्वारा बिल्ड किया जाता है। दोस्तों, रेलवे डेवलपमेंट के इस अर्ली फेज में तीन बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला, कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट हुआ था वो पूरी तरह ब्रिटिश इन्वेस्टर्स द्वारा किया गया था। दूसरा, कि शुरुआत के 50 साल तक रेलवेज फाइनेंशियल लॉस में रहती है और अपने इन्वेस्टर्स को उनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट भी पे नहीं कर पाती। और तीसरी, कि रेलवेज की प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन और मैनेजमेंट में इंडिया और उसके लोगों के इकोनॉमिक या पॉलिटिकल डेवलपमेंट को ध्यान में नहीं रखा गया था, बल्कि रेलवेज का डेवलपमेंट तो ब्रिटिश कॉलोनियल इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर किया गया था। रेलवेज का डेवलपमेंट इंडिया में ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए हुआ था। रेलवे लाइंस प्राइमरीली इंडिया के इंटीरियर में रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने वाले एरियाज को एक्सपोर्ट करने वाले पोर्ट से जोड़ने के लिए बिछाई गई थी। इंडियन इंडस्ट्री की नीड्स को इसमें निग्लेक्ट किया जाता है और रेलवे के रेट्स भी इस तरह फिक्स किए गए थे कि गुड्स के इंटरनल मूवमेंट की जगह वो इम्पैक्ट और एक्सपोर्ट को फेवर करते थे। दोस्तों, इस तरह रेलवेज की शुरुआत इंडिया में हो जाती है। इसका डेवलपमेंट ब्रिटिश अपने कॉलोनियल इंटरेस्ट के लिए करते हैं, लेकिन इसका फायदा इंडिया के नेशनलिज्म को भी होता है क्योंकि रेलवेज ने इंडिया को यूनिफाई करने का काम किया था। आइए अब रेलवे डेवलपमेंट के नेक्स्ट फेज की तरफ चलते हैं। 1900 से 1947 का समय। दोस्तों, कंस्ट्रक्शंस और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लगभग 50 साल के बाद इंडियन रेलवेज फाइनली 1901 से प्रॉफिट कमाने लगती है। इस फेज में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। 1900 में GIPR पहली स्टेट ओन्ड कंपनी बन जाती है। 1907 तक गवर्नमेंट सभी मेजर लाइंस को परचेज कर चुकी होती है और इन्हें वापस प्राइवेट ऑपरेटर्स को लीज पे देना शुरू कर देती है। 1901 में रेलवे बोर्ड को एस्टैब्लिश किया जाता है, जिसमें एक गवर्नमेंट ऑफिशियल, एक इंग्लिश रेलवे मैनेजर और रेलवे कंपनी का एक एजेंट मेंबर होते थे। इसकी पावर्स को 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा फॉर्मलाइज कर दिया जाता है और तब से इस बोर्ड का साइज और प्रोमिनेंस बढ़ता ही गया। इसके साथ ही सेंट्रलाइजेशन की तरफ भी कदम उठाए जाते हैं। 1923 में GIPR और ईस्ट इंडिया रेलवेज को नेशनलाइज कर दिया जाता है। 1924 में रेलवे बजट को जनरल बजट से अलग कर दिया जाता है
और 1925 में रेलवे को उसका खुद का पहला डिविडेंड रिसीव होता है। 1925 में बॉम्बे से कुर्ला तक फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन का भी संचालन हुआ था। 1929 आते आते रेलवे नेटवर्क की ओवरऑल लेंथ 66,000 किलोमीटर हो चुकी होती है और ये लगभग 620 मिलियन पैसेंजर्स और 90 मिलियन टन्स के गुड्स को सालाना कैरी कर रही होती है। 1929 के ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शुरू हो जाने से इंडिया में रेलवे के डेवलपमेंट की गति में भी कमी आ जाती है। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि कॉलोनियल पीरियड में रेलवे नेटवर्क का तेजी से डेवलपमेंट हुआ था। ब्रिटिशर्स ने भले ही इसे अपने फायदे यानी कि ब्रिटिश गुड्स को इंडिया के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए यूज किया हो, इसका फायदा इंडियंस को भी होता है। फिर चाहे वो इंडिया की इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो या फिर इंडियन नेशनलिज्म का, इंडियन रेलवे ने दोनों को ही सपोर्ट किया। आइए अब बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज की। पहले हम बात करेंगे 1948 से 1980s तक के समय की। दोस्तों 1947 में ब्रिटिशर्स के डिपार्चर के साथ ही देश दो हिस्सों में टूट गया, जिसका असर रेलवे पर भी हुआ क्योंकि लगभग 40% नेटवर्क न्यूली क्रिएटेड पाकिस्तान में चला गया था। टू मेजर लाइंस बंगाल असम और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे डिवाइड होने की वजह से इंडियन रेल सिस्टम से आइसोलेट हो गई थी। इसके साथ ही पार्टीशन के बाद के फिरों में वायलेंट मॉब्स ने रेफ्यूजीज को कैरी करने वाली ट्रेन्स पर अटैक किया और रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफी डैमेज किया था। 1947 में टोटल 42 रेल सिस्टम्स इंडिया में मौजूद थे। 1949 और 1950 के बीच रेलवे के इन फ्रेंचाइज के मेजॉरिटी कंट्रोल को एक्वायर कर लिया जाता है। 1951 में इन सिस्टम्स को एक यूनिट की तरह नेशनलाइज कर दिया जाता है और इस तरह इंडियन रेलवे वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क बन जाता है। 1951 में ही रेलवे अपने नेटवर्क को जोन्स में रिकॉग्नाइज करने का भी काम करती हैं। 14 अप्रैल 1951 को सदर्न रेलवे जोन क्रिएट किया जाता है और 5 नवंबर को सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे जोन्स का क्रिएशन होता है। इसके बाद 14 अप्रैल 1952 को नदन रेलवे, ईस्टर्न रेलवे और नॉर्थ ईस्ट रेलवे जोन बनाए जाते हैं। 20th सेंचुरी के लेटर हाफ में रेलवे अपने मॉडर्नाइजेशन के स्टेप्स लेती है। कॉलोनियल एरा लोकोमोटिव्स को स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेन से रिप्लेस कर दिया जाता है। 1979 में सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन यानी कि कोर फॉर्म किया जाता है। इसके बाद रेलवे लाइंस के इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू हो जाता है। दोस्तों इस तरह से इंडिपेंडेंस के बाद का ये फेज रेलवे की इंडिजिनस कैपेबिलिटी को बढ़ाने और उसे एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने में जाता है। आइए अब अगले स्टेशन मतलब कि नेक्स्ट फेज की तरफ चलते हैं। ये वक्त है 1980 से लेके 2000 तक का। दोस्तों 1980s में इंडियन रेलवे स्टीम लोकोमोटिव्स को पूरी तरह फेज आउट कर देती है। इस फेज में इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। 1980 और 1990 के बीच करीब 4000 किलोमीटर ऑफ ट्रैक को इलेक्ट्रिफाइड कर दिया जाता है और इस बीच 1984 में इंडिया का पहला मेट्रो सिस्टम भी कलकत्ता में शुरू होता है। 80s के दौर के इकोनॉमिक स्टैग्नेशन और पॉलिटिकल अपहेवल की वजह से रेलवे नेटवर्क की ग्रोथ थोड़ा रुक जरूर जाती है, लेकिन 90s में 738 किलोमीटर लंबी कोंकण रेलवे की शुरुआत होती है जो इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ देती है। हालांकि इस पीरियड का मेजर रिवॉल्यूशन आता है कंप्यूटिंग के वर्ल्ड से। 1986 में इंडियन रेलवे न्यू दिल्ली में कंप्यूटराइज टिकटिंग और रिजर्वेशन की शुरुआत करती है और धीरे धीरे इसे मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। इससे पैसेंजर्स किसी भी टर्मिनल से ट्रेन में अपनी सीट रिजर्व और कैंसिल कर सकते हैं। इस सिस्टम को 1995 में पूरे देश में एक्सटेंड कर दिया जाता है। दिसंबर 1994 में टेलीफोन बेस्ड फोन इंक्वायरी IVRS को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। दोस्तों हम कह सकते हैं कि इस फेज का मेन फोकस रेलवे में टेक्नोलॉजी इंट्रोडक्शन पर रहता है। साथ ही रेलवे अब एक मैच्योर एंटरप्राइज बन जाती है और देश के डेवलपमेंट में इसका रोल और भी ज्यादा बढ़ जाता है। रेलवे नेशनल डेवलपमेंट का एक फाउंडेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही, इसके साथ ही ये इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला सबसे बड़ा एंटरप्राइज भी है। इसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस भी नेशनल इकोनॉमी को मजबूत बनाने का काम करते हैं। इस तरह इंडियन रेलवे 20th सेंचुरी का एंड होते होते देश की लाइफलाइन बन जाती है। आइए अब चलते हैं 21st सेंचुरी की तरफ। दोस्तों ईयर 2002 में इंडियन रेलवे अपने IRCTC सिस्टम के थ्रू ऑनलाइन ट्रेन रिजर्वेशंस और टिकटिंग की शुरुआत करती है। इसी साल रेलवे के ईस्ट कोस्ट, साउथ वेस्टर्न, साउथ ईस्ट सेंट्रल, नॉर्थ सेंट्रल और वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन्स का क्रिएशन भी होता है।
2002 के बाद से ही इंडिया की मेजर सिटीज में मेट्रो स्टेशन का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। 2002 में दिल्ली, 2011 में बैंगलोर, 2013 में गुड़गांव और 2014 में मुंबई में मेट्रो शुरू की जाती है। दोस्तों ये टाइम पीरियड था इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ का, इसलिए रेलवे की ग्रोथ भी हमें देखने को मिलती है। तेजी से डेवलप कर रही इंडियन इकोनॉमी की नीड्स को पूरा करने के लिए ईयर 2005 में पहली बार डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का प्रपोजल भी रखा गया था। हालांकि इसके कंस्ट्रक्शन का पहला कॉन्ट्रैक्ट साल 2013 में दिया गया और 2022 तक इसके पूरे होने की उम्मीद है। रेलवे के फर्दर डेवलपमेंट के लिए ईयर 2009 में विजन 2020 नाम से एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया था। 1947 में इंडियन रेलवे ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से 53,996 किलोमीटर का रूट नेटवर्क इनहेरिट किया था और 2009 में रेल नेटवर्क था 64,099 किलोमीटर, मतलब आजादी के 62 ईयर्स के बाद सिर्फ 10,000 किलोमीटर का ही इंक्रीज हुआ था। इसलिए विजन 2020 डॉक्यूमेंट में 2020 तक 25,000 किलोमीटर की नई लाइंस को ऐड करने का प्रपोजल रखा जाता है। इसके साथ ही इसमें रेलवेज में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स का प्रोत्साहन देने की बात भी कही गई थी। इसमें पैसेंजर ट्रेन्स की मैक्सिमम स्पीड को 160 से 200 किलोमीटर पर आर तक बढ़ाने की बात रखी गई और फ्रेट ट्रेन्स की स्पीड को भी 100 किलोमीटर पर आर तक इंक्रीज करने की बात थी। ओवरऑल विजन 2020 डॉक्यूमेंट रेलवेज के एक्सपेंशन और डेवलपमेंट की बात करता है। दोस्तों 21st सेंचुरी डिजिटलाइजेशन की भी है, इसमें भी इंडियन रेलवे पीछे नहीं है। डिजिटल इंडिया के इनिशिएटिव को सपोर्ट करते हुए आज 6,000 रेलवे स्टेशन पर वाईफाई की फैसिलिटी मौजूद है। इसके साथ ही साल 2016 में इंडिया की फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस का भी इनॉग्रल हुआ। ये दिल्ली से झांसी तक 403 किलोमीटर का सफर 91 किलोमीटर पर आर की स्पीड से 265 मिनट में पूरा करती है। इस पीरियड में इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन बनाने का काम भी शुरू हुआ जो मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलेगी। साल 2019 में इंडिया ने अपनी पहली इंडिजिनस इंजनलेस सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को लॉन्च किया। दोस्तों साल 2000 बाद के इस फेज में इंडियन रेलवेज ने ना सिर्फ पैसेंजर सर्विसेज को इम्प्रूव करने पर काम किया बल्कि नए कीर्तिमान भी बनाए। आइए अब अपने सफर को प्रेजेंट और फ्यूचर की तरफ ले चलते हैं। दोस्तों 2020 में जब कोविड पैंडमिक ने पूरे देश और दुनिया को हिला के रख दिया तब अपने इतिहास में पहली बार इंडियन रेलवेज ने ऑपरेशंस रोक दिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रेलवेज के काम बंद हो गए। पैंडमिक के समय में भी इंडियन रेलवेज ने अपना कंट्रीब्यूशन देश को देना जारी रखा। रेलवेज ने अपने 5,601 ट्रेन कोचेस को कोविड केयर सेंटर्स में कन्वर्ट कर दिया था। इसके साथ ही वर्ल्ड के पहले कोविड सेफ कोच को भी अनवील किया गया और जब माइग्रेंट क्राइसिस सामने आई तब इंडियन रेलवेज ने 63.1 लाख माइग्रेंट वर्कर्स को 4,621 श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स की हेल्प से उनके घर तक पहुंचाया। इसके साथ ही रेलवेज ने 1.85 करोड़ मील्स और 2.21 करोड़ वाटर बॉटल्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन जरूरतमंद लोगों को किया। साथ ही 6.4 लाख टन के गुड्स और 4.4 करोड़ टन के फूड ग्रेन्स को भी रेलवे ने इस समय में कैरी किया। दोस्तों हम कह सकते हैं कि कोविड पैंडेमिक जैसे कठिन समय में भी इंडियन रेलवेज ने देश के पहिए थमने नहीं दिए। आगे आने वाले समय में जहां इंडियन रेलवेज को एक तरफ अपनी पहली बुलेट ट्रेन का इंतजार है, वहीं दूसरी तरफ रेलवेज में प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। अक्टूबर 2019 में देश को अपनी पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस भी मिल चुकी है। एक तरह से इंडियन रेलवेज अब उस दौर में आ चुकी है जहां वो आम आदमी की सवारी होने के साथ साथ एक सफल बिजनेस एंटिटी भी बनने की कोशिश कर रही है। इस साल के बजट में नेशनल रेल प्लान का प्रपोजल रखा गया। ये 2021 से लेकर 2051 तक का 30 ईयर प्लान है। इसमें 2031 तक फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम क्रिएट करने की बात कही गई है। इसके अकॉर्डिंग 2031 तक सभी फ्रेट ट्रेन्स प्राइवेटाइज कर दी जाएंगी और साथ ही 750 रेलवे स्टेशन में से 30% को प्राइवेटाइज किया जाएगा। सभी प्रॉफिट मेकिंग एसी कोचेस को भी प्राइवेटाइज करने का प्लान है। रेलवेज में प्राइवेटाइजेशन कितना सफल रहेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि रेलवेज का रोल इंडिया के ओवरऑल डेवलपमेंट में बना रहेगा। दोस्तों इंडियन रेलवेज की अभी तक की जर्नी काफी इवेंटफुल रही है। आगे आने वाले सालों में भी उम्मीद करते हैं कि इंडियन रेलवे ऐसे ही नए कीर्तिमान बनाती रहेगी। देश की यह लाइफलाइन देश को इसी तरह जोड़ के रखे और साथ ही इसका सफर सुहाना और सेफ बना रहे, बस यही आशा रखता है एक आम आदमी इंडियन रेलवे से। हम अपनी जर्नी को यहीं एंड करते हैं, लेकिन इंडियन रेलवे अपना स्वर्णिम सफर इसी तरह जारी रखेगी, इसका हमें पूरा भरोसा है।
तो दोस्तों ये थी कहानी अभी तक के इंडियन रेलवे के सफर की। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।